सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हरपाल सिंह चीमा अज संगरूर पहुंचे, जिथे उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कांग्रेस अते अकाली दल ते खूब निशाने साधे ने। जी हाँ, हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि अकाली दल ते कांग्रेस वालों रल के पंजाब विच सरकार चलाई जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां दे वल्लों रल के पंजाब दे लोकां नूं शर्म गुमराह किया जा रहा है। इन्ना ही नहीं, हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि 2022 दे विच तीनों रवायती पार्टियां यानी कि कांग्रेस, अकाली दल ते भाजपा दा आम आदमी पार्टी वल्लों सफाया किया जाएगा। इस तों इलावा होर की कहना है हरपाल चीमा दा, आओ तुहानूं ओह वी सुना दिंदे आ। कैबिनेट दे विच कुछ फैसले किए गए ने, ये पंजाब सरकार वल्लों किस तरह देखदे हो? देखो, जिहड़े फैसले अज तो साढ़े चार साल पहला करने से अब साढ़े चार साल बाद हो रहे हैं। कि इतों पता लगता कि कांग्रेस पार्टी की जी सरकार आ जोड़े हूँ फैसले कर रही आ, लोग लभाऊ फैसले कर रही आ, वो सिर्फ तो सिर्फ 2022 दोटा लैन लिए कर रही है। वोटों तो सिवाए होर कुछ नहीं हो रहा। पंजाब साढ़े चार साल उस तरह का राज चलिया जिहड़ा राज सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब स्टैबलिश किया। माफिया राज उस तरह चलिया, बेरोजगारों के डंडे उस तरह पे, लाठीचार्ज उस तरह होया, पंजाब नूं बर्बाद उस तरह किया गया। हुण साढ़े चार साल बाद कहिंदे असीं सुधार करांगे, असीं बदलाव करांगे। पंजाब दे लोकां नूं पता गया कि साढ़े चार साल पंजाब की सत्ता हंडा के, पंजाब की सरकार हंडा के कैप्टन साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने हुण साढ़े चार साल जिहड़े फैसले कर रही है, फैसले लागू नहीं करने। ये सिर्फ पंजाब के लोगों दी अखां च कट्टा पाउण दा यतन जिहड़ा हो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जिहड़े हैगे ने, ये एक दूसरे उपर शब्दी वार कर रहे ने, किस तरह देखदे हो? देखो, इन्हां दे शब्दी वार करन नाल पंजाब नूं कोई भला नहीं होना, इन्हां दी आपसी लड़ाई नाल पंजाब दा कोई भला नहीं होना, पंजाब दा भला काम करके होना गा। ये लोगों का ध्यान खिंचण दे लई कि मैं उहदे खिलाफ़ वध बोलदा, वह कहिंदा मैं उहदे खिलाफ़ वध बोलदा, इहदे नाल पंजाब दा दसो मैनूं की फायदा होजूगा। अज पंजाब दा भला करन दे लई अज सरकार नूं जिहड़ा हैगा सिर जोड़ के बैठना चाहिए, 18-18 घंटे काम करना चाहिए, ता जाके पंजाब दा भला हो सकता गा। और दूजी वड्डी गल आ कि साढ़े चार साल पहला भी लड़ते सी, अज भी लड़ते ने, लड़ाई लड़ी जाते हैं, पर लेकिन हजे तक कांग्रेस पार्टी सरकार ने जिहड़ियां एसटीएफ दीआं रिपोर्टां सीआं जिहड़ी हाई कोर्ट दे विच सीलबंद लिफाफियां च पेंडिंग पईआं लगियां, वो क्यों नहीं खिलाईआं? क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ़ करे कार्रवाई की? जिहड़ा ड्रग माफिया उस तरह उस समय चल रहा है, अज भी ड्रग माफिया उस तरह पंजाब काम कर रहा। सरकार जिहड़ी आ इस समय पंजाब चाचे भतीजे की सरकार जिहड़ी आ पंजाब काम कर रही आ, और पंजाब के लोगों को पता गा कि दो परिवार मिलकर पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, और पंजाब का कुछ नहीं संभर रहा। पंजाब के 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, पंजाब का बच्चा बाहरले देशों जाना चाहता गा, पंजाब की जवानी पंजाब को छड़ रही है, पंजाब की किसानी संघर्ष के राह पर पई आ, 3 काले कानून के जन्मदाता अकाली दल, BJP, कांग्रेस वाले ने गे। सो बच्चा अच कह रहा कि 3 पार्टियां ने पंजाब का बेड़ा गर्क करता, और इस बार इन्हों 3 पार्टियों का पंजाब में सफाया होना बिल्कुल तय आ। पोस्ट पाई गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू का खुलासा करेंगे बिजली लैके, की खुलासा है? देखो, बड़ी जल्दी साड़ी जिहड़ी सीनियर लीडरशिप आ वो जदों बैठणगे तुहानूं मुखातब होणगे, दसणगे कि की जिहड़े हैगे ने कि काम कदों होने से कदों नहीं होने से, उन्हां बारे साड़ी टीम जिहड़ी आ वो फैसला करेगी, और वो टीम ही जिहड़ी आ अनाउंसमेंट करेगी। आम आदमी पार्टी 2022 दे जिहड़े चोणां ने उस लई की नवां की लैके आ रही है? देखो, आम आदमी पार्टी का चोण मैनीफेस्टो आऊगा, साड़ी पहली गरंटी जिहड़ी आ वो घर घर दे विच जा रही आ। साड़ी पहली गरंटी आ 300 यूनिट लोगों नूं हरेक घर नूं मुफ्त देने, वो गरंटी जिहड़ी लोगों के घरां तक पहुँच रही आ। सो अगलियां जिन्नियां भी गरंटियां आउणगियां लोगों के घरां तक लैके जावांगे, बिल्कुल एक अच्छा चोण मैनीफेस्टो बना के, एक अच्छा गरंटी कार्ड बना के समुचे पंजाब नूं देवांगे, और उस गरंटी कार्ड के उत्ते सरकार बनते सार ही काम करना शुरू करांगे। इन्ना मांगू नहीं भी साढ़े चार साल बाद, सरकार बनते सार ही काम शुरू करांगे, और काम शुरू करके वो 5 सालों के जिहड़ा साडा वो चोण मैनीफेस्टो आ वो बिल्कुल 100% लागू करांगे। कुछ जिहड़े बुद्धिजीवी लोग ने जी, वो भी कह रहे हैगे ने कि जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने इस बार झूठ बोल के ही जिहड़ी सरकार बनाउणगियां, भी जिहड़ी पार्टी सब तो वध झूठ बोल गई वो सरकार बनाएगी। देखो, ये बिल्कुल गलत गल आ। अज पंजाब दा वोटर, पंजाब दा हर एक नागरिक सियाणा हो चुकिया, पंजाब दे लोकां नूं पता गा कि 73 सालों तो पंजाब दे लोक लगातार सरकार नूं टैक्स दे रहे ने, ईमानदारी नाल टैक्स भर रहे ने, पर ना उन्हां नूं हिस्से की पढ़ाई मिल रही आ, ना उन्हां दे हिस्से की दवाई मिल रही आ। देखो, पंजाब का जिहड़ा बजट आ लगभग एक व्यक्ति के हिस्से 60,000 रुपया आउंदा गा,
पंजाब जो बजट का एनालिसिस करना हो एक हिस्से एक व्यक्ति के हिस्से 60,000 रुपया आता पंजाबी दे ना 60,000 से उन्होंने अच्छा इलाज मिल रहा पंजाब ना उन्होंने अच्छी पढ़ाई मिल रही है ना उन्होंने अच्छे जो ट्रांसपोर्टेशन सहूलत ना वो मिल रही ने पंजाब दे 60,000 च कुछ भी नहीं मिल रहा। और दूजे पास दिल्ली आ जिते अरविंद केजरीवाल जी सरकार चला रहे उत्ते एक व्यक्ति हिस्से कि बजट आता गा 30,000 आता गा वो 30,000 अच्छी पढ़ाई भी दे रहे हैं मुफ्त पढ़ाई भी दे रहे हैं गियाँ मुफ्त सेहत सहूलत दे रही ने चाहे वह हार्ट का इलाज करवा लो चाहे तुम लिवर का इलाज करवा लो चाहे जिद इलाज थोड़े 50 लाख लगना वो भी सरकार लाँदी है ट्रांसपोर्टेशन दहूलत उत्थे ने गियाँ 300-200 यूनिट जोड़े ने बिजली के हरेक घर उत्थे मुफ्त ने गए सो करप्शन फ्री स्टेट बनाता सो आम आदमी पार्टी कमिटमेंट करती है पंजाब के लोगों जोड़ा बजट के जिन्ना बजट होगा वह जिन्ना हिस्सा एक व्यक्ति दे आऊगा असी उस व्यक्ति से पंजाब के कले कले व्यक्ति खर्च करा।